काज है बेटा मास्क उतारो हाँ बेटा किस लिए है बताओ जोली तो मास्क नौकरी की तो मैंने भर दी जोली और बोलो यही बता रहे थे कि बैठे पानी में हाँ ये बैठे पानी में चला जा बेटा हाँ जब मैं तेरी इच्छा बेटा आज कर दे कल कर दे इसकी कोई ऐसा समय फाउंडेशन नहीं मंदिर में रख दूँ ना जाके अभी जब जाऊँ सुबह हाँ अरे ये कोई टोटका नहीं है मैं कब प्रसाद ही हुआ ही और तेल लाए थे रख दिया पहली बार आया ना पहली बार हाँ नाम बोलिए मेरा नाम रविंद्र रविंद्र आपके पिताजी का नाम मुख्तार सिंह मुख्तार सिंह गाँव पुराना बेटा दादा का गाँव रोहट रोहट काम धंधे की दिक्कत तो तेरी आई रखी है बेटा और बाबू तुम्हारा कोई आपस में परिवार वगैरह कभी झगड़ रहा है क्या मुझे बच्चों की दिक्कत क्यों आ रही है बच्चे की दिक्कत है बहुत नहीं बड़ी तेरी बेटा जब माई ने बहुत बरने की बाजी लगाई थी कहाँ थी तुम अच्छा कविता जी गोद भरने के लिए बुला लेना इसको बच्ची को बता देना अगर कल भी आए तो भले तू आ जाना तो माई का भरोसा नहीं है जब गद्दी पे आती है वो पहले गोद भरती है पर मैं गारंटी नहीं लेती वो माई जानती है ठीक है सामान मंगा लो इनको फिर एक दिन दे के ही बुला लो कि बेचारे आज छुट्टी छाती ली होगी उन्होंने है ना छुट्टी तो छुट्टी है जी मार्च में छोटा काम छोटा मोटा भी चल रहा है पहले तो अच्छे से क्या काम कर रहा लॉकडाउन में अभी तो कुछ नहीं ऐसे एमसीडी में अच्छा जी अब तो बिल्कुल बस जो मम्मी का ये करते बेटा इससे हो रहे हैं वही काम कर रहे हैं कोई नहीं कोई बेटा जी एक तो बच्चों की दिक्कत आई है एक काम धंधे की दिक्कत आई है एक तुम्हारा आपस में भी दारी गुण चल रहा है बाकी माँ बाबा जी कह रही है सब ठीक है कोई ऐसी लेना देना नहीं है थोड़ा सा प्रॉब्लम ही होता है लगता है अभी हमारा जो झगड़ा परिवार में चल रहा है जमीन जमीन को लेकर चल रहा है रिश्तेदारी के चक्कर में चल रहा है ठीक है किससे चल रहा है कोई नहीं हमारे सारी चीजें हमारे हक में कोई नहीं बेटा जी जब तुम्हारा एक काम आई ने दो तीन दिन में कर लिया तो बाकी काम भी करने कविता जी तेल की जो जलाना और इन कढ़ाई के लिए बुलाओ बेटा जी ये करो फिर बताऊंगे ठीक है बेटा जी क्या बताऊंगी बहुत जल्द फर्क लगेगा बेटा तीन दिन में माई ने बेटे को भाई इनकी बिटिया घर भेज दी तीन दिन में एक साल डेढ़ साल बैठी थी बताओ भाई सुन लो भाई संगत डेढ़ साल इनकी बच्ची घर बैठी थी माई ने तीन दिन में घर भेज दी ससुराल ध्यान से सुन रहा तो कोई है भी की चले गए सारे कोई नहीं बेटा माँ भगवती खूब लल्ला खिलाएगी क्यों टेंशन ले रही है विश्वास से आयो तो काम बढ़ेंगे बेटा चलो जय माता दी आओ बेटा आगे आओ ये होते हैं भाई चमत्कार जय माता दी बीमार रहती हूँ बहुत ज्यादा मैं अब तो क्या ठीक हूँ और मेरे को सपने में एक बच्चा ठीक है नीता आपके पति का नाम सुशील कुमार किशन कुमार किशन कुमार गाँव दिल्ली गई है माता बेटा भगवती को पूजते हो जब काली को पूजते हो तो भैरव नहीं मनाना काली भैरव के बिना नहीं चलती अच्छा बच्चा कभी तो मतलब दूध पीता हुआ दिखता है भैरव नाथ कभी दूध दिखता है बच्चा बहुत कभी बड़ा होके दिखता है कभी छोटा होके दिखता है कभी बीच में छोटा हो जाता है भैरव किसे आप दाओ भाई दो लड्डू दो नींबू 100 मीटर काला कपड़ा दो सिगरेट थोड़े काले उड़द थोड़ी काले तिल 1 रुपए का सिक्का ये कर बेटा भैरव मंदिर में देके आ लो ठीक है
ठीक हो जाएगा और बता तबियत भी ठीक हो जाएगी इसके बाद से भी इससे ठीक हो जाएगी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। चलो अब मैंने बता दिया मुझे याद ही ना करना। जय माता रही। ये तो बच्चे भी मजबूत ही गए हैं इनके दुकानदार में अभी ठीक होगा सब धोखे आए तो ले आओ सामान जाओ। आज इसने कुछ आए बताया सुबह उठते रोने लगे मम्मी के पास जाना है पास जाना था आपको आपकी वीडियो खुदी देखने लगी है अब आप फेमस हो जाओगे अपनी वीडियो देख लेना ठीक है। मेहंदी लगाई है आपने मेहंदी लगाई है ये कह रही है माता जी इतना मम्मी इतना फैशन करती है आप ही नहीं लगाती उनको भूल के आना क्या नहीं लगाती बाजू का तो कह रही है। अच्छा मैं लगाऊंगी मेरे पास आया भी है कल आया है वो रखा है बेटा जी मैं कितना कुछ पहन के बैठी थी मैं कैसे बैठी हूँ मम्मी गिरा दी थी ना सब कुछ। अच्छा चलो फिर मुझे याद है अब आपने बोला मैं दिवाली पे पक्का पहनूंगी आप आना मुझे देखने ठीक है। हाँ भैया को छोटी सी बच्ची ने फरमाइश करी है बाजू बंद पहनने की ठीक है शॉप पे चले जाएगी ले रही हूँ अभी ले रही हूँ तेरी जय बेटा आइए तो बनेगी बेटा बेटा जी माँ बाबा खूब अच्छी नौकरी लगाएगी तेरी ठीक है पूछने का करना क्यों अभी डेट दिए अभी ट्रेनिंग के लिए कंपनी ठीक है ना तेरी को पैसे रिफंडेबल है पैसे वापस नहीं सीधे सीधे दे रहे रुक जा भी गए ट्रेनिंग के बीच में दूंगी ट्रेनिंग चालू कर तो मेरा हाथ टाइट है अभी मैंने बोल दिया कि ट्रेनिंग के बाद दूंगी ट्रेनिंग देख लूं पहले अगर मान जाते हैं तो ठीक है नहीं मानते तो छोड़ दूंगी छोड़ना नहीं है नु कहना कि हम दे देंगे हाथ टाइट है पर ट्रेनिंग करवाओ पहले सोमवार से जाना ही है कल कल की ट्रेनिंग है बस मम्मी कल मांग रहे हैं नहीं सोमवार को दे दूंगी सोमवार बोला जी अभी त्योहारों में थोड़ा खर्च हो गया सोमवार को लेना ट्रेनिंग के बाद दे देना और मम्मी नहीं मान रहे क्या करूं मान जाएंगे माता जी एक तो कल का दो साल हो गया अभी खोज तो गया था अभी अच्छा बहुत दिन से पहचानने की कोशिश कर रही हूँ घर का भी कुछ नहीं कुछ नहीं वैसे ऐसा ही हो रहा तेरी नौकरी वो हस्बैंड की रुकी ना अब जी रुकी हुई है फिर वो तन का भी प्रॉब्लम आ रही है भाई को बहुत चढ़ा गई थी आगे ठीक है नाम बोला मोनिका और तेरे पति का नाम शीश कुमार गाँव आदमी ने भी कह दिया मता टेक जावे आया था मता जी बाहर से दो बार देखे गया और वो तो आज भी आने की कह रहा था टाइम मिला तो बाहर से टेक चलो ठीक है कोई नहीं मता जी घर का और दे दो नाम बोल दे केला तो दे यहां से नाम बोल मोनिका पति का नाम सतीश कुमार गांव जी बुआना जी खड़ी होकर चिपक रहे हैं किसी और भगत का इलाज चला रखा था पहले घर में सामान रखा उसका वैसे हमने ना जब बीमार हो गए थे ना मैं बी ए बी और सतीश भी तो हमने वैसे रख दिया था पितरों का सामान बनगोरी माता का हमने ना कई बार बोल रहा था तो हमने छत्तर वगैरह ला के वैसे रख रखे हैं नहीं बेटा जी आपने कहीं और जाके इलाज भी कराया उसका सामान भी रखा हुआ और माई की चूड़ी है माई के चू कड़े वैसे लेके जाइए बनगोरी वाले के नीचे छत्तर वाले माई ने सिखा दिया ठीक है। हाँ बेटा किसी का सामान रखा हुआ है भगत का बेटा तो सफाई कर भगत का तो किसी का भी नहीं है पर मैंने लाके वैसे रख रखा है बेटा जी आपने बहुत चंगा इलाज करवाए हैं तीन चार दिन गए तो बेटा जी किसी की भी हुई कोई चीज घर में छूट गई होगी रह गई होगी नहीं जान होगा साफ करना मिलेगी जरूर जी और साफ कर दूंगी पूछा तो मैं दे ही रही हूँ तेरी बड़े अंधेरा दिखा रही है माँ मेरे को क्यों क्योंकि तेरे घर में और सामान रखा है जैसे हम गुगा पीर पे गए थे वहाँ से बबूती वैसे वो आगे ये नाम की चीजें नहीं अटका दी हमें अटकाता तो कोई भी नहीं भगवती तो घुस जाएगी धक्के दे के अंदर लेकिन बेटा हम प्रतिभासी हैं शरीर पे जोर पड़ता है हमें ठीक है ना तो माँ ये कह रही है कि घर की ऊपर सफाई कर ले किसी की रखी हुई चीजें वो निकल जाएगी माई की जो तुमने आप रख रखे हैं पितरों के ये हटाने की जरूरत नहीं किसी की दी हुई चीज रखी वो फिर आ जाना मैं जैसे ले जाइए कुछ और वो किसी
इसी दिन पे आ जाओ माता जी नंबर, कल आ जियो जा मेरी बहन है उसकी लड़की कनाडा गई हुई है तो उसके जैसे पहले थी ना वो सातवीं क्लास में उसकी एक फ्रेंड थी वो मुर्गी से तो तब से वो साथ लगी हुई है इलाज भी करवा लिया अब वहाँ कनाडा जाके वो कल भी रो रही थी दो तीन दिन हो गए इतना बुरा हाल हो रहा वो रो रही है और ऐसा ही कब गई है कनाडा भी नहीं है थोड़े दिन पहले जनवरी में गई थी दिसंबर या जनवरी में गई थी तो फिर अब वो नंबर भी डलवा रही है लाइव में बैठे उससे तक वीडियो चैट में बैठे बैठे उसको कुछ हो जाता था डर की पारू नंदनी अब वहाँ पे इसका इलाज करेगा कुंडी अगर मैं बता भी दूंगी तो ऐसे तो आप कुछ हो पाए तो बता ही दोगे साथ में माता जी मौली लेना माई काली का नाम लेकर के जो जला लेना तेल की उसको कहना बच्ची को और जला करके मौली लेके उसमें इसके मम्मी को मैं बुलाऊं तो वहाँ पे जैसे कितने दिन के बाद भी नंबर दे दो दिवाली के नंबर टाइम जो चौकी लगेगी उन दिनों में ले आना लगातार चौकी लगेगी क्योंकि भीड़ बहुत हो जाएगी भीड़ है नहीं अभी मेरे को दिवाली के बाद मैं एक अपनी मम्मी दिवाली के बाद नहीं मेरे बच्चा एक तारीख से जाऊँगी यूट्यूब पे देख लेना मैं बताऊंगी लगातार चौकी लगेगी दिवाली के लिए स्पेशली क्योंकि बच्चे बहुत से पता है मेरे तो बच्चे बाहर से भी आते हैं इतने गिफ्ट लेकर के आते हैं दिवाली वाले दिन यहाँ संगत और सब इकट्ठे हो जाते हैं और अब भीड़ हो गई तो फिर भाई गाइडलाइंस नहीं है अभी जाकर के बच्चों को गिफ्ट पहले ही दे दूंगी ले आऊंगी जाकर के जो आता रहेंगे देती रहूंगी तो एक हफ्ता लगातार चौकी लगती है लगेगी अभी तो उसी में आ जाना मेरी मम्मी भी आ जाएगी मुझे खरीद ले तो माता जी क्या है नहीं सबका नंबर ही लगेगा फिर सबके व्हाट्सएप पे वो 30-35 साल हो गए उनको घूमते हुए जैसे एक बार तो ऐसे एक हाथ में लेट गई थी इतना हिस्सा मिल गया ऐसे मेरे भैया भाई को एक जा ले आई हो भरोसा हो गया डांट पड़ी और फिर लॉकडाउन में आके पता क्या कहती है भैया प्लीज माता जी से मिला दो आप जो हो गए ना मैं वो ही दे दूंगी वो क्या कह रहा था इसके पापा क्या कह रहे माता जी मेरे को अटैक आएगा उसने मेरे को ऐसे डराया कि ना तू कैसे ये कह देना इसको लगा इससे कई जगह काम कराया पैसे दे के काम कराए थे इसको लगा यहाँ भी पैसे लेते होंगे माई ने इसको डांट डांट आपकी घबराई हुई थी क्या पता क्या पूछ रही वो मेरे को ना गाड़ी के पास में खड़ी नहीं हो सकती माता जी इसीलिए कह रही थी और ये भी इसीलिए तो रोड में काम चल।